खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद भड़के दंगे में शामिल 2000 रुपए के इनामी फरार पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त एएसआई नासिर पिता नजीर अहमद निवासी खरगोन की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की अग्रिम जमानत का आवेदन प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश जी सी मिश्रा के समक्ष पेश किया गया था। बहस के दौरान शासकीय अधिवक्ता राजकुमार अत्रे ने कानून के रखवाले रहे सेवानिवृत्त एएसआई नासिर पिता नजीर अहमद के कानून तोड़ने के अपराध में शामिल होने पर अग्रिम जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने भी दंगे के फरार सह आरोपी नासिर पिता नजीर अहमद की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि खरगोन में 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद हुए दंगे में पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई नासिर पिता नजीर अहमद के खिलाफ कोतवाली थाने में अपराध दर्ज है। आरोपी लगातार फरार चल रहा है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। ऐसा दो दिन पहले खरगोन दंगों में जो 10 तारीख को हुए थे, 10 अप्रैल को, उन दंगों में शामिल एक अपराधी नासिर अहमद ने अपना जमानत का आवेदन लगाया था। उसने अपनी अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। वो पुलिस डिपार्टमेंट से एएसआई के पद से रिटायर्ड हुआ था। नासिर अहमद ने मुख्य रूप से न्यायालय को ये बताया कि मेरे नाम पर पिता का नाम नहीं लिखा है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो फरार घोषित है, उस पर 2000 रुपये का इनाम भी घोषित है। और ऐसे अपराधी को अगर अग्रिम जमानत दी जाती है तो ये खुलम खुला जो है वो न्याय का मुंह बंद करने वाली बात होती, क्योंकि समाज के प्रति गंभीर श्रेणी का अपराध था। और जितने भी अपराध इस तरीके के होते हैं, ऐसे मामलों में अपराधी चाहे जो अपना आपत्ति दर्ज कराए, लेकिन पुलिस के अनुसंधान में जो मिला है उसे झुठलाया नहीं जा सकता था और उसे जमानत कोर्ट ने नहीं दी है। खास करके हमारा यही कहना था कि पुलिस ये रिटायर्ड सेवा का कर्मचारी जो था वो कानून के बारे में भली भांति जानता है। यदि वो आरोपी अभियुक्त नहीं है तो उसने ऊपर हाईकोर्ट जा करके अपना नामकरण करवाना चाहिए। वो दंगे में शामिल है और सह अभियुक्त है। वो दंगों के मामले में जितने भी अभियुक्त हैं वो सभी के सभी जो हैं वो मुख्य आरोपी के रूप में ही गिने जाते हैं, क्योंकि वो सारे लोगों का एक्ट एक जैसा ही होता है। नाम के क्रम से कोई लेना देना नहीं होता है। वहाँ तो जो अपराधी है सो अपराधी है। ये क्या रिटायर्ड एएसआई है? हाँ, ये रिटायर्ड एएसआई है और इसका अपराध जो है वो दंगों में शामिल रहना का 255/22 में पुलिस थाना खरगोन में अपराध में दर्ज है। मैं राजकुमार अत्रे, शासकीय अभिभाषक, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।